नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा कि प्रायः कोई प्रत्याशी दो जगह से चुनाव लड़ता है। जैसे कि राहुल गांधी ने इस बार निर्णय किया है कि वो अमेठी से और वायनाड केरल में दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। और जब भी कोई भी प्रत्याशी दो जगह से चुनाव लड़ता है तो लोगों के मन में एक बड़ा कौतूहल होता है कि वो किस चुनाव क्षेत्र को वास्तव में अपनाएगा और किस चुनाव क्षेत्र को वो त्यागेगा। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे देश की राजनीति में काफ़ी समय से है। और अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वडोदरा से और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनाव लड़े थे। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के उस समय बड़े नेता थे और आज भी हैं, उन्होंने भी दो जगह से, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। इसके पहले के अगर लोकसभा चुनाव पर विचार करें, 2009 के चुनाव पर, तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार से भी सारण और पाटलिपुत्र दो जगह से चुनाव लड़ा था। उसके और पहले के इतिहास में अगर हम चले जाएँ तो सोनिया गांधी ने 1999 में बेल्लारी से कर्नाटक में और रायबरेली से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। और अगर और उसके पहले चले जाएँ तो इंदिरा गांधी ने मेडक में, जो आजकल तेलंगाना में आता है, पहले आंध्र प्रदेश में माना जाता था, तो उन्होंने 1980 में मेडक से और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। तो हमारे देश में जो टॉप लीडरान हैं उनके द्वारा दो जगहों से चुनाव लड़ने की एक परंपरा है। लेकिन ये जो परंपरा दो जगह से चुनाव लड़ने की है, आइए देखते हैं कि इस संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है, और कैसे एक व्यक्ति, एक मतदाता, एक नागरिक दो निर्वाचन क्षेत्रों को अपना सकता है या दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान इस संबंध में मौन है। संविधान बिल्कुल नहीं कहता है कि आप कितने जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब हमारा संविधान बना 1950 में, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमारे देश में एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया, जिसको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहते हैं। 1951 में ये बनाया गया। और आपको जान के हैरत होगी कि जब ये प्रावधान बनाया गया तो उस ज़माने में जो इसका सेक्शन 33 है, जो कि आज विवादित सेक्शन है और जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि लोग दो जगह से या चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय तो और मनोरंजक स्थिति थी कि जब हमारा 1951 में ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बना तो उसमें तो कोई प्रतिबंध ही नहीं था कि आप कितनी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, और कितनी भी जगह से चुनाव लड़ने की आज़ादी थी 1951 में, जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बना था, सेक्शन 33। हाँ, ये ज़रूर था कि उसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 70 है वो कहती थी कि आप चुनाव चाहे जितने जगह से लड़ेंगे, लेकिन रिटेन आप केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र करेंगे, अर्थात आप एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये बात तो समझ में आती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने देश में एक ऐसा प्रतिमान है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कालांतर में देश के प्रधानमंत्री भी हुए, और उन्होंने 1957 में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगहों से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। एक चुनाव उन्होंने बलरामपुर से लड़ा था, ये बात है 1957 की। पहला चुनाव उन्होंने बलरामपुर से लड़ा था उसी निर्वाचन में, लोकसभा के चुनाव में। दूसरा चुनाव क्षेत्र उनका लखनऊ था और तीसरा चुनाव क्षेत्र उनका मथुरा था। बलरामपुर से वो जीते, लखनऊ से वो रनर्स अप रहे और मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि एक ही व्यक्ति का तीन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में किस प्रकार से लोग उसको देखते हैं, किस प्रकार से लोग उसको मत करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आज की जो स्थिति है, 1996 वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स, आप सभी लोगों को और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 में, 33 में इट वाज अमेंडेड इन 1996, और अमेंडमेंट करके उसमें सेक्शन 33 में क्लॉज 7 जोड़ा गया। तो आज जो इम्पॉर्टेंट हमारे सामने कानून है वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 का
सेक्शन क्लॉज 7 अर्थात 30 सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड क्लॉज 7 ऑफ दैट सेक्शन। और आज की तारीख में अर्थात 1996 के ये प्रावधान हो गया है कि कोई भी प्रत्याशी केवल और केवल दो क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है, दो से ज़्यादा से चुनाव नहीं लड़ सकता है, और रिटेन वो केवल एक ही कर सकता है। ये तो पहले ही से सेक्शन 70 में ये प्रोविजन बना हुआ है कि वो केवल एक ही सीट को रिटेन कर सकता है। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है कि अगर कोई दो सीट से चुनाव जीता है और दोनों सीट से लड़ा है और दोनों सीट से चुनाव जीत जाता है, और फर्ज कीजिए कि वो 10 दिन के अंदर किसी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निर्णय नहीं ले पाता है, तो 10 दिन के बाद उसकी दोनों ही सीटें जाती रहेंगी और दोनों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र पे वो चयनित होने के बावजूद भी वो उसका हकदार नहीं हो सकेगा। तो 10 दिन के अंदर ही किसी प्रत्याशी को जो कि दोनों सीटों से जीत जाता है उसको एक सीट का चयन करना पड़ता है कि कौन सी सीट रिटेन की जाए और कौन सी सीट छोड़ी जाए। अभी ये मुद्दा इसलिए चर्चा में आ गया है कि अश्विनी कुमार नाम के एक एडवोकेट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया है, और उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि ये सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है ये संविधान के विरुद्ध है और संविधान के मूल आत्मा मूल ढांचे के विरुद्ध है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर दे। और उनका लॉजिक ये है कि जो लोकतंत्र है उसमें एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है और एक कैंडिडेट को एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होना, जब पता ही है कि उसको एक ही निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करना है तो दो निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा ही क्यों उसको होने की इजाजत दिया जाए, ये एक गलत बात है और इसको बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला विचाराधीन है। आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा कि इलेक्शन कमीशन भी इस मुद्दे से बहुत दुखी है, और आज से दुखी नहीं है, 2004 से दुखी है, और 2004 में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं इसका प्रतिवेदन किया था कि ये जो आर्टिकल ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है सेक्शन 33 क्लॉज 7 इसको निरस्त कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। और उसका कारण उसने बताया कि साहब जब दो दो जगह से लोग चुनाव जीत जाते हैं तो उनको एक जगह से छोड़ना ही पड़ता है, और जब वो छोड़ते हैं तो फिर चुनाव आयोग को दोबारा वहाँ पे उपचुनाव कराने पड़ते हैं, और उस चुनाव में फिर उसी प्रकार से मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, समय का इन्वॉल्वमेंट होता है, सब चीज़ें ज़ाया होती हैं और मतदाताओं को दोबारा खामखा जो है अपने एक निराशा का वातावरण होता है कि जिसको हमने चुन दिया भाई तो अब चला गया तो अब फिर अब किसको चुने। आदमी का एक माइंड सेट होता है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो पूरी कवायद फिर इलेक्शन कमीशन को दोहरानी पड़ती है, तो इलेक्शन कमीशन का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, और वहां के मतदाताओं को भी फिर दोबारा इलेक्शन में झोंक दिया जाता है, फिर परेशानी होती है, फिर खर्चे होते हैं, फिर उसी प्रकार से एक डिस्टर्ब माहौल उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बना होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अच्छा अगर साहब इसको रिटेन ही करना है, अगर 33 क्लॉज 7 को रिटेन करना है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून की, तो संसद इसमें एक ये व्यवस्था कर दे कि साहब जो कैंडिडेट दोनों जगहों से जीतेगा और एक निर्वाचन क्षेत्र से छोड़ेगा उसको उपचुनाव का खर्चा देना पड़ेगा। अगर वो विधायक का चुनाव है अर्थात अगर दो जगह से वो विधायक चुना जाता है तो एक सीट उसको खाली पड़नेगी, तो उसको कम से कम 5 लाख रुपया जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि साहब आप उपचुनाव का जो खर्चा होगा उसको, ये 2004 की बात है। और उसके बाद अगर वो लोकसभा में ऐसा करता है तो उसको 10 लाख रुपया इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि साहब ये आपके इलेक्शन खर्चा है, लेकिन कालांतर में इलेक्शन कमीशन ने इसको अप्रोप्रिएट अमाउंट कर दिया, अर्थात ये 5 लाख और 10 लाख तो 2004 की बात थी, आज तो एक उपचुनाव कराने में और भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ये न्यायालय तय करे या कानून तय करे कि अगर कोई कैंडिडेट दो जगहों से जीता और एक जगह से उसने त्यागपत्र दे दिया अर्थात उसने इलेक्शन कमीशन और मतदाताओं पर एक उपचुनाव फोर्स किया, तो उस उपचुनाव का खर्चा इलेक्शन कमीशन को वहन करना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो लॉ कमीशन है हमारे देश में जो कि समय समय पर चुनाव सुधारों के बारे में कुछ बताता रहता है कि क्या चुनाव सुधार होने चाहिए, उसने भी इलेक्शन कमीशन की इस बात को स्वीकार किया कि अनुच्छेद ये सेक्शन 33(7) क्लॉज 7 को निरस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन ने ये बात इलेक्शन कमीशन की स्वीकार नहीं की कि साहब हारे हुए कैंडिडेट मतलब दो निर्वाचन क्षेत्रों से जो कैंडिडेट जीत जाए तो उपचुनाव का उसको खर्चा देना चाहिए। इस पर थोड़ी असहमति लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में रही। इस समय मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, देखिए उस पर क्या निर्णय होने वाला है, जो भी
भी निर्णय होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ जाता है हम लोगों को छात्र के एंगल से कि आखिर वो कारण क्या है कि किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता को दो जगह से चुनाव क्यों लड़ना पड़ता है, क्या इसके पीछे मानसिकता हो सकती है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द रीजंस। इसके लिए दो ही कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जब कोई प्रत्याशी ये श्योर नहीं होता कि वो एक निर्वाचन क्षेत्र से जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, तो एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की तलाश में वो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में भी चला जाता है। जैसे कि अभी राहुल गांधी के बारे में हम लोगों ने देखा कि पिछली बार अमेठी में बड़ा कांटे की टक्कर थी, इस बार संभवतः शायद वो पता नहीं क्या उनकी सोच है, लेकिन शायद उनको लगा हो कि मामला बहुत ही कांटे का है, इसलिए कि उन्हें एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ चला जाए, तो वायनाड का उन्होंने केरल में सिलेक्शन किया, वहाँ से इन्विटेशन भी उनको मिला कि आके यहाँ से आप चुनाव लड़िए। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट अपने प्रभाव को इतने बड़े देश के दो क्षेत्रों में विस्तृत करना चाहता हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी के बारे में देखा गया कि नरेंद्र मोदी को जीत हार का कोई टेंशन नहीं था, बल्कि देश में सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने वाली दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वडोदरा की संभवतः, और वहाँ से वो जीते, लेकिन वो वाराणसी से भी बहुत भारी मतों से जीते। तो एक प्रकार से उन्होंने तो अपने प्रभाव का विस्तार किया दो क्षेत्रों में, उनको कोई हारने का डर नहीं था, लेकिन अपने प्रभाव को विस्तार करने का क्षेत्र था, उसका उनको पुरस्कार भी मिला कि बनारस से जीतने के बाद जो है एक प्रकार से यूपी को रिप्रेजेंट करने पे आप देखते हैं कि यूपी की जो सेंट्रल पोजीशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज यहां से जीत के जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर यूपी को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने एक प्रकार से नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपका दखल हो जाता है। तो ये दो फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से या तो हम अनश्योर हो विक्ट्री के लिए या हम अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं, और इस प्रकार से ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं किसी भी कैंडिडेट के द्वारा जब वो दो क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ता है। लेकिन इस संबंध में कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी हैं जो इस इलेक्शन कमीशन के इस प्रयास को सही नहीं मानती और ये मानती हैं, और इसका एक आर्गुमेंट, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका अपोजिशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस पिटीशन को अपोज किया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देखिए इतने बड़े कंट्री में एक चीज़ ये विचार करिए कि 1996 के पहले जो स्थिति थी, 1996 के पहले सेक्शन 33 जो कहता था वो ये कहता था कि कोई व्यक्ति चाहे जितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। तो अगर इस साइकोलॉजी पे या इस व्यवस्था पे विचार किया जाए तो आप हाइपोथेटिकली आप 10 निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकते थे 1996 के पहले, जैसा कि मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। लेकिन सरकार का ये आर्गुमेंट है कि 1996 के पहले तो हम चाहे जितने निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकते थे, लेकिन उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने अब लगा दिया है सेक्शन 33 क्लॉज 7 के माध्यम से, और अब मिनिमम आप जो है और मैक्सिमम दोनों आप दो निर्वाचन क्षेत्रों से, अब 1.5 से तो लड़ेंगे नहीं, आप 1 से तो मिनिमम हो गया, तो एक निर्वाचन क्षेत्र से और भी कैंडिडेट को सॉरी चुनाव लड़ने की इजाज़त कानून देता है, विच अपीयर्स टू बी वेरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और जहाँ तक रही खर्चे की बात, उससे कोई बहुत बड़ा ऐसा खर्चा नहीं पड़ता सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है कि साहब, हाँ इससे ये ज़रूर है कि एक डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस है कि एक कैंडिडेट को भी थोड़ा चॉइस रहती है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी कभी कभी ये होता है कि अपने प्रभाव को दो क्षेत्रों में वो विस्तृत करना चाहती है, वो भी उसको एडवांटेज लेना चाहती है, और इस प्रकार से दोनों ही आर्गूमेंट्स वैलिड लगते हैं कि भाई ठीक है दिस दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना एक मिनिमम है, और इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की मंशा है अब वो है कैंडिडेट के उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना और मतदाताओं के अधिकारों की भी रक्षा करना, क्योंकि ठीक है मतदाता के अधिकार की इस तरह से रक्षा होती है कि भाई इलेक्शन कमीशन उसमें दोबारा उपचुनाव तुरंत ही थोड़ी देर के बाद कराता है। बहरहाल जो भी इसका आस्पेक्ट है, आपको जो भी अच्छा लगता हो या ये सही लगता हो या नहीं लगता हो, ये आप अपने दृष्टिकोण बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम लोगों इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेता है, और बहुत शीघ्र इस पे संभवतः कोई निर्णय अगर होगा तो भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और एक निर्वाचन से एक ही कैंडिडेट एक ही निर्वाचन से चुनाव लड़ सके, यही भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। तो आशा है आपको यह प्रस्तुतिकरण ठीक लगा होगा, अगर इसमें कोई आपके प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।